कोरोना काल में सरकार ने भले ही 10वीं की परीक्षा पर रोक लगा रखी है, लेकिन मध्य प्रदेश के गुना शहर में एक निजी स्कूल संचालक ने छात्रों के जीवन से खिलवाड़ करते हुए परीक्षाएं आयोजित कर दी। गुना के गुरुकुल हायर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल ने गुरुवार को सुबह 10 बजे से स्कूल परिसर में 10वीं की परीक्षा का समय तय किया था और इसके लिए बकायदा छात्रों को भी स्कूल बुलाया गया। स्कूल संचालक ने कोरोना गाइडलाइंस का खुलेआम उल्लंघन करते हुए छात्रों की परीक्षा ली। स्कूल संचालक ने चोरी छिपे परीक्षा का आयोजन किया था, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन को भनक लग गई और स्थानीय प्रशासन के साथ साथ शिक्षा विभाग की टीम ने बीच परीक्षा के दौरान ही स्कूल में छापा मार दिया। किसने बुलाया? तो आपने कहा नहीं कि ये कोरोना चल रहा है? आपको आना पड़ेगा जी, पेपर देना। क्यों आना पड़ेगा? अभी आप पास हो, टेंथ क्लास है। फीस वगैरह के चक्कर? हाँ, फीस वगैरह जी। सर, ये कि स्कूल में परीक्षाएं संचालित हो रही थी, क्या मामला है? हाँ, सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ बच्चों की एग्जाम कराई जा रही है, तो हमने दोनों टीमों को देख के दिखवाया। मैं भी आया, बच्चे मिले हैं और भी थी, टाइमिंग होगी। कितने बच्चे लगभग थे सर? लगभग 30-40 बच्चे थे। ये कौन सा स्कूल है सर? बिल्कुल। तो क्या कार्रवाई होगी इस पर? तो वो इन्हें 144 का उल्लंघन तो किया ही है ना। अभी 144 धारा लगी हुई है, इसमें आप भीड़ नहीं कर सकते, है ना। तो जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे, सफाइयाँ भी कराएंगे। भाई, बच्चों का कहना है कि फ़ोन कर उनको बुलाया कि अगर तुम नहीं आओगे तो हम तुम्हें फेल कर देंगे 10th क्लास में, ऐसा कहाँ तक सही है? आ जाएंगे, हमारे एजुकेशन के भी अधिकारी आ गए हैं, जो उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे, है ना। और हमारे हिसाब से ये बहुत निंदनीय है, गलत है। कलेक्टर के आदेश को भी नहीं मान रहे हैं और एजुकेशन जैसी संस्था के लोग अगर नहीं मानेंगे तो ये बहुत निंदनीय है हमारे साथ।